Okay students, we are live now. Hi everyone, good evening, namaste, sastrikar, kem chho, radhe radhe, assalamu alaikum, jai hind. Welcome to Current Affairs Prime Time Session by Vishali ma'am, that is me. ठीक है, आज हम Current Affairs का शार्क स्टार्ट कर रहे हैं students, right? चलिए, so inspired by Shark India, we are going to start the Current Affairs Prime Time Session. एंड आज से एक अलग तरीके का होगा और डेली जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का, वैसे हमारा कंटेंट और भी बेहतर होता जाएगा. साथ ही स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी. अनुराग झा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. साथ ही कुछ चीज़ें मुझे आज आपसे डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, तो उसको थोड़ा सा आप सेशन में बने रहिएगा, ठीक है. एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. वैसे भी 8:30 हो चुका है एंड एवरीवन जिसने ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट ज्वाइन द सेशन, ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, मेरी जो क्लास है, ठीक है, मेरा नाम वैशाली पांडे है स्टूडेंट्स, और मैं आपकी GA करंट अफेयर्स मेंटोर हूँ. इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी 8 बजे क्लास होती है 8 PM पर स्टूडेंट्स, और मेरी जो 8 बजे क्लास होती है वो स्टैटिक GK की क्लास होती है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है. इसी के साथ मेरी 8:30 बजे आज से डेली क्लास होगी, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स प्राइम टाइम सेशन, बोले तो जो करंट अफेयर्स के MCQs हैं, साथ ही जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो करवाएंगे. आज हम MCQ से स्टार्ट करेंगे. जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा वैसे कॉन्टेंट और भी बेहतर हो जाएगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये बिल्कुल भी मत भूलेगा, राइट. चलिए, ओके, कोमल, अनुराग, ओम, दिशा, एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए, तो स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, पीयर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी हो. अपने जो दोस्त हैं, अपने जो कजन्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी आप बताइएगा ये जो सेशन है आपके लिए यूजफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है. आज हम MCQ से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे सेशन होगा, एंड इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल. साथ ही ये मैं बताना चाहूँगी, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं. मुझे आप अपना मेंटर समझ लो, दीदी समझ लो, फ्रेंड समझ लो, दोस्त समझ लो, टीचर समझ लो, कुछ भी समझो, ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे, राइट. हाँ, तो स्टूडेंट्स ये जो डेली करंट अफेयर्स सेशन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेंज माय इंक कलर, ठीक है. मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ, एक बार मैं अपना बता लूँ, फिर मैं आपका देख लेती हूँ, ठीक है. आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगी, राइट. डेली करंट अफेयर्स MCQ है स्टूडेंट्स विद एनालिसिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा, डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा स्टूडेंट्स विद ऑल द MCQs एनालिसिस, ये हमारा मंडे टू फ्राइडे रहेगा. साथ ही स्टूडेंट्स हमारा वीकली करंट अफेयर्स रहेगा सैटरडे को, ठीक है, जिसमें हम वीक के हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वो हम इसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है. तो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा. साथ ही जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है वो सैटरडे को रहेगा. तो ये बेसिकली आपका 8:30 बजे ही रहेगा. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, डोंट बी कन्फ्यूज कि इसके लिए है, उसके लिए है कि नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए है. साथ ही हमारा मंथली करंट अफेयर्स रहेगा वो मंथ के एंड में होगा. अभी मैं आपके लिए जनवरी का भी लेके आऊंगी मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 200+ क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें, और आपके लिए ये यूजफुल रहने वाला सेशन. तो मेरा जो सेशन है स्टूडेंट्स वो बेसिकली पूरा करंट अफेयर्स MCQ बेस्ड विद एनालिसिस, और साथ ही जो स्टैटिक GK का हम 8 बजे करते हैं वो सेशन रहता है. मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है. चलिए, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं थॉट ऑफ द नाइट. नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. आपने अक्सर इम्पॉसिबल वर्ड देखा ही होगा, तो आपको ये नहीं पता, पता तो होगा ही, है ना. इतने आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं तो आप लोगों को तो पता तो होगा ही कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छुपा होता है. मतलब हमें डिफ़िकल्ट लगती है चीज़ें कि हम जो हमारा एम है उसको हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. हमें थोड़ा डर लगता है कि जो हम एम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है हमारे लिए, क्या हम उसको कर पाएंगे, हम तो अभी स्टार्टर हैं, हमें तो स्टार्ट किए सिर्फ इतना ही महीना हुआ है, या हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए, ठीक है. इस चीज़ को बिल्कुल भी मत लाइए. बस just have faith in yourself that it is possible. Just do hard work, be consistent, have patience, be disciplined, dedicated, determined students, and definitely focus रखिए. आप लोग अपना aim ज़रूर achieve करेंगे. साथ ही हमारा जो session है इस UG entrance exam पर, उसको कोई भी session miss मत करिएगा. खासकर मेरा session आपके current affairs ही आपको पार भी करवा सकता है और पीछे भी कर सकता है. तो current affairs अगर रोज़ पढ़ोगे, static रोज़ पढ़ोगे, तभी जाकर उस चीज़ का outcome मिलेगा students. So don't miss it, right? चलिए, दिशा क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, आप बहुत परेशान हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब देखिए क्या होगा ना, अभी CUET का जब भी आएगा सिलेबस, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखिए हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें। जो लोग और भी जो यूट्यूब चैनल में बता रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और भी जो यूट्यूब चैनल में बता रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी कन्फर्म नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरीवन जो भी आप मेरे सेशन में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube पे जितना भी बता रहे हैं, ठीक है, CUET को लेके खासकर, वो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत सही बता रहे हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हमें नहीं पता लग पाएगी बात। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी अपने आप, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर लीजिएगा, राइट। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो फटाफट से आप थोड़ा सा फोकस करना सेशन पे, यू नो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर एक MCQ अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना सेशन पे। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो स्टार्ट किया जाए। आपके सारे डाउट्स सब एट द एंड ऑफ द सेशन आप देखेंगे, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे सेशन पे। इन इंडिया द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। हर साल स्टूडेंट्स हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? हाँ, आई वॉन्ट द आंसर। थोड़ा सा फोकस करना आप सेशन पे, और बिल्कुल अब कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी स्टूडेंट्स, हम थोड़ा अब फोकस करेंगे सेशन पे, ठीक है, बिल्कुल। और जितने लोग, अच्छा ये बताइए कितने लोग वैलेंटाइन मनाए आज? हाँ, वैलेंटाइन, बहुत लोग का तो वैलेंटाइन डे होगा आज, है ना, तो इसलिए तो आज सेशन में आए भी नहीं होंगे। चलिए बताइए। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर हियर विल बी ए, दैट इज February 12, ठीक है, आंसर हियर विल बी February 12। तो हर साल हम इंडिया में नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व करते हैं February 12 को, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स who has been reappointed by the board for the second 5-year term। तो यहाँ पे आपको बताना है उन टाटा सन्स के उन चेयरमैन का नाम जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, अगले 5-year टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स, बताइए। ओके, अनुराग झा, चलिए इसका आंसर क्या होगा? संदीप, गुड इवनिंग, कहाँ थे अभी तक? आंसर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर हियर विल बी सी, दैट इज N Chandrasekaran, ठीक है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? N Chandrasekaran, जिनको हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है सेकेंड 5-year टर्म के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच संदीप, एवरीवन। हाँ, देखिए आप लोग से एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल आर माय वैलेंटाइन, ठीक है। आप लोग बस आप हैं और हम हैं, और बाकी सब पानी कम है कि नहीं? चलिए, एनीवेज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ 3-year MOU विद द ब्रिटिश काउंसिल टू रिन्यू द पार्टनरशिप इन एजुकेशन, इंग्लिश एंड आर्ट्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी राज्य सरकार है जिसने साइन किया है 3 years का MOU ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ताकि वो रिन्यू कर सके पार्टनरशिप इन एजुकेशन, इंग्लिश और आर्ट्स स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हियर विल बी ए, दैट इज तेलंगाना। आंसर हियर विल बी ए, दैट इज तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम, ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? अनुराग, अंकित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहाँ थे अभी तक? अनुराग झा, कोमल, अंकित, संदीप, ओम प्रजापति, दिशा, एवरीवन बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर हियर विल बी सी, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च अ यूनाइटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन दी आधार कार्ड। तो हमारा जो प्यारा भारत इंडिया है, ये किस कंट्री को हेल्प करेगा लॉन्च करने में यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जिसको आधार कार्ड में किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। कोमल सिंह बोल रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा। आधार कार्ड पर यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को मॉडल किया गया है। इंडिया किस कंट्री को हेल्प कर रहा है करने में? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? श्रीलंका। आंसर हियर विल बी श्रीलंका। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स सेशन को, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप से फटाफट से, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सोनू, हाँ बिल्कुल सोनू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी। SEBI has reconstructed its advisory committee on investors protection and education fund under the chairmanship of dash। तो हमारा जो सिक्योरिटीज, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ मैं इतने कमेंट देख रही हूँ, पहले आप लोग तो फोकस करिए सेशन पे। नाम में क्या रखा है जी? बिल्कुल, यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो सेबी जो है उसने रिकंस्ट्रक्ट किया है एक एडवाइजरी कमिटी, किस पर? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड पर। किसके चेयरमैनशिप में रखा गया है स्टूडेंट्स? कौन चेयरमैन है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर हियर विल बी डी, दैट इज जी महालिंगम। जी महालिंगम इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who is the author of the new book India Africa Relations Changing Horizon? यहाँ पे आपको ऑथर का नाम बताना है। एक नई बुक लिखी गई है स्टूडेंट्स, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन। इसका आंसर क्या होगा? ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए पहले के क्वेश्चंस कैसे आते थे कि हम बुक्स एंड ऑथर प्रीवियस पूछा जाता था। अभी जो उत्सव वाली बुक आती थी, हम लोग के टाइम पे चलती थी उत्सव वाली बुक, उसमें ना जितने फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट ये, फर्स्ट वो, ऐसे पूछ जाते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो डायनेमिक नेचर के आते हैं, ठीक है। तो अब डायनेमिक नेचर से मेरा मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डायनामिक नेचर से है कि आपके करंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो भी बुक्स एंड ऑथर्स होंगी करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए मिस मत करिए, ठीक है। तो ये जो नई बुक लिखी गई है इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन, इसके ऑथर कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आंसर क्या होगा? राजीव भाटिया। आंसर हियर विल बी राजीव भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Indian National Women's Day is observed every year on 13th of Feb to commemorate the birth anniversary of dash। हर साल हम Indian National Women's Day ऑब्जर्व करते हैं 13 फरवरी को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर इंडियन नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है बताइए? हाँ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी होगा, दैट इज सरोजनी नायडू, ठीक है। आंसर हियर विल बी सरोजनी नायडू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द रेडियो एज अ पावरफुल मीडियम। तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ताकि एक हम रेडियो को रिकॉग्नाइज कर सकें एज अ पावरफुल मीडियम, तो वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत सही कोमल, अनुराग बहुत सही, अंकित वेरी गुड। आंसर यहाँ पर डी होगा, दैट इज 13 फेब। आंसर हियर विल बी 13 फेब। सो 13 फेब इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट? 13 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज डिलीवर्ड द 5th एंड फाइनल वेसल ICGS डैश अंडर कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल CGOPV प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा? हमारा जो इंडिया का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसने डिलीवर किया है 5th और फाइनल ICGS स्टूडेंट्स। उसका नाम क्या है बताइएगा? और ये कहाँ पर किया गया है? कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, जिसे हम CGOPV बोलते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया है। आंसर यहाँ पर बी होगा, दैट इज सक्षम। आंसर हियर विल बी सक्षम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सक्षम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए तो आज इतने ही क्वेश्चंस थे क्योंकि कल संडे था, तो संडे को ऑफ ही रहता है, तो इस वजह से इतने ही क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से। चलिए तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा दूं कि मेरा जो सेशन रहता है 8 बजे आपको स्टैटिक का सेशन मिलेगा, 8 PM पर स्टैटिक का सेशन मिलेगा, और साथ ही 8:30 बजे 8:30 पर आपको करंट अफेयर्स का सेशन मिलेगा MCQ फॉर्म में विद एनालिसिस, ठीक है। आज तो MCQ हो गया, बट हम कल से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, डेली कंटेंट बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और विद ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। अब हम लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, पेयर्स में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दिस इज दिस सेशन स्टैटिक और साथ ही करंट अफेयर्स का सारे एग्जाम्स के लिए, सो नो नीड टू वरी कि इस एग्जाम के लिए है कि नहीं, स्टूडेंट्स आपके लिए ही है ये सेशन, ठीक है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जस्ट टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्ते एवरीवन। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डेली मेरे साथ आप जुड़ेंगे रात 8 बजे, 8 से 9 मेरा सेशन होगा विथ आर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। जय हिंद जय भारत, नमस्ते एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।